जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। यह नई नवेली दुल्हन जैसी एक महिला आपको दिख जा रही होगी। दो वर्ष हुए हैं शादी के, आजसू के गढ़ यानी रामगढ़ से आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा स्मिता महतो। आजसू का गढ़ माना जाता है रामगढ़। ऐसे में आप बता रही हैं आपका मायके भी रामगढ़ है और दो वर्ष हुए हैं विवाह को, रामगढ़ ही आपका ससुराल भी है। ऐसे में जयराम महतो की इस पार्टी में क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे जो महा आंदोलन हो रहा है उसमें क्या कर रही हैं? हम फर्स्ट तो कहना चाहेंगे इतना हमारे यहाँ आंसू पार्टी रहे हैं, बट हमारे लिए तो कुछ किए नहीं। हम स्टूडेंट लोग के लिए कुछ बदला हुआ नहीं। हम मेरी उम्र हो गई है, मतलब उम्र जा रहा है, वैकेंसी आ रही है, जा रही है, एग्जाम नहीं हो रहा, तो मतलब चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, चेंजेस आए और हम लोग का कुछ लाइफ हो मतलब सिक्योर हो सके। और हमारा लाइफ तो तैयारी कर रहे हैं बट हमारा लाइफ सिक्योर नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए चाहते हैं कि जयराम जी आए, हमारे अगले सीएम बने। क्या लगता है जयराम महतो जिनको आप लोग टाइगर बुलाती हैं, उनके चेहरे में वो परिवर्तन का तेज दिख रहा है क्या? मतलब 100% दिख रहा है। 100% किन के साथ आई है आप? हम फादर इन लॉ हैं। फादर इन लॉ के साथ आई है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? वासुदेव महतो। हम खाली भाषण सुनने के लिए आए हैं। जयराम महतो का? हाँ। कितने बजे आए हैं आप? करीब करीब एक घंटा हो। पहले कभी जयराम महतो को सुने हैं सामने से? हाँ। सुने कहाँ? धनबाद तक हम गए। धनबाद तक आप लेके गए? अपनी बहू को लेके गए थे? नहीं, उस समय अकेले ही गए। धनबाद गए, राय बचरा गए, गिदी सी गए। कब से जान रहे हैं जयराम महतो को? हम करीब करीब साल भर से जान रहे हैं। और जहाँ पे भी जयराम महतो का आंदोलन होता है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं भाषण सुनने को। क्यों अच्छा लगता है भाषण, क्यों सुनना चाहते? भाषण सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उसका कोई लड़ यहाँ नहीं, हम बोलते कोई बात नहीं। आपके मन में यहाँ दिल में जो है वो आप सब बताइए। हाँ, मैंने छात्रों का बात है, ऐसे कोई वैकेंसी भी नहीं निकाल रहा है, यही सब कितना लड़का लड़की का भविष्य खराब कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया। इस तरह की जो बातें जयराम महतो कहते हैं वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कहते हैं कि दुखते रख को जैसे दवा मिल जाए, मर्ज की किसी की जो दवा मिल जाए वो इन लोगों के लिए, ऐसे इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि वो मर्ज की दवा है जयराम महतो का भाषण। अब देखिए क्या 2024 में तस्वीर बदलेगा क्या? हाँ, एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा, जरूर जरूर बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। चलिए तो फिर आगे और भी लोगों से हम लोग मुखातिब होते हैं। यहाँ पे एक और हमारे साथ शख्स है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम सरजू कुमार महतो है, मैं चुरचू प्रखंड आंगो पंचायत से हूँ। मैं जयराम दादा का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं जयराम दादा को इस तरह से कहीं भी कार्यक्रम हो, हजारीबाग हो चाहे रामगढ़ हो, गिद्दी सी पतरातु, वहाँ पे हम जाते हैं और जयराम दादा का उसका नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति के जो बारे में जो बात करते हैं वहाँ इस तरह से उनका हुजूम भीड़ पहुँच जाता है कि प्रत्येक युवा, बूढ़ा, माँ बहन सभी उनका बातों को सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। और आज 16 जुलाई 2023 को हमारे हजारीबाग के जाने माने सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड गांधी मैदान में आज जितनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन आए हुए हैं जयराम दादा को सुनने के लिए, ताकि जो है कि आने वाले जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उस समय हमारा जो झारखंड में जो सरकार जो बैठा हुआ है वह हमारे युवाओं को हमारे नौकरी में अच्छी तरह से वैकेंसी बहाली नहीं ले रही है। 60-40 नहीं चलते का विरोध आप भी करते हैं? 60-40 का विरोध एकदम हम भी करते हैं। 60-40 ना चलते हो, ना चलते हो, ना चलते हो, ना चलते हो, ना चलते हो। चलिए बहुत शुक्रिया। अब ऐसे ही लोगों से यहाँ गांधी मैदान में घूम के मुलाकात करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किस तरह से झारखंडी लोग जो हैं वो झारखंड में एकत्रित हो रहे हैं। शुक्रिया।